3 बजे के बीच में एक बस ने एक ऑटो को मतलब टक्कर मार दी, इसमें अभी तक से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। हाँ, हमारी पूरी टीम सुरक्षित है। हमारे लिए ये पुलिस तो एक भगवान समान, और मैं इंडिया के पुलिस को सैल्यूट सहयोग किया आप लोग। ड्राइवर था वो 6 महीना पहले बहुत ही मुश्किल से 1-1 रुपया इकट्ठा कर दोस्त महिम से कर्जा लेकर अध्यक्ष राजू कुमार पाल एवं एसआई आशीष ठाकुर एवं एसआई राहुल कुमार एसआई रविकांत कुमार इंस्पेक्टर रणधीर कुमार सकरा थाना के ऑल। नमस्कार, आप देख रहे हिमांशी न्यूज में आपके साथ मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना अंतर्गत सियावलपुर चौक पे आज एक ऐसी घटना हो गई जिसके जानने के बाद आपका पैरे तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा सच्चाई बताया जाएगा। इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि सबको दूध का दूध और पानी का पानी क्या है वो पता चल सके। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र से आ रही बस जिसका नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस बस में टोटल 24 महिला एवं 3 पुरुष सवार थे। वही एक ड्राइवर साहब जो थे जो घटना के बाद मौके स्थल से फरार हो गए। जब बस में सवार कर रही महिलाओं सबसे मेरी टीम जब बात करने के लिए प्रयास किया तब पता चला कि जो बस से घटना हुआ है वह बस पिछले 4 दिन से लगातार सफर पर ही चल रहा था और उसको लास्ट सफर सीतामढ़ी होते हुए नेपाल के काठमांडू तक जाना था, लेकिन काठमांडू जाने से पहले ही मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना अंतर्गत सुजावलपुर चौक पर एक ऐसा घटना घट गया जो पूरा मातम में तब्दील हो गया। घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों से मेरी टीम पता लगाने का कोशिश किया तो पता चला कि समस्तीपुर इधर से बस आ रही थी तो वहीं मुजफ्फरपुर के इधर से टेम्पो जा रही थी। एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को बचाने के चक्कर में टेम्पो व बस में आमने सामने की टक्कर हो गई व टेम्पो पर सवार सभी व्यक्ति को मौत हो गया तो कुछ लोग घायल हो गए। मौत होने वाली संख्या 4 बताई जा रही है तो वहीं घायलों की संख्या 3 बताई जा रही है। जब हमारे टीम ने मृतक का पहचान करने में जुटा तो मृतक सुजावलपुर गांव से ही निकले, जिनका पहला नाम है मोहम्मद साबिर जो 16 साल उम्र के थे, इनके पिताजी का नाम है मोहम्मद सलामत, दूसरा है मोहम्मद आसिक जिनके पिताजी का नाम है मोहम्मद मकसूद, और तीसरा है मोहम्मद शहबाज हुसैन और इनके पिताजी के नाम है मोहम्मद सरबुद्दीन। जो चौथा व्यक्ति का मौत हुआ है इसका टीम हमारे अभी तक पता लगा रही है, लेकिन यह चारों लड़का का उम्र लगभग 16 से 17 साल बताया जा रहा है। वहीं घायलों की संख्या 3 बताई जा रही है जिसमें पहला है मोहम्मद आदिल जो मोहम्मद नईम के पुत्र थे और दूसरा है मोहम्मद शहजाद जो मोहम्मद मकसूद के दूसरा पुत्र थे और तीसरा है मोहम्मद सहमद उर्फ छोटू जो 7 वर्ष के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो बस में सवार महिला लोग थी उससे जब हमारे टीम बात करने का प्रयास किया तो उनके माध्यम से कहा गया कि हम लोग बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन बिहार पुलिस पर मुझे गर्व है, बिहार पुलिस के कारण मुझे आज सुरक्षित बहुत ही महसूस हो रहा है, ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ये बस में सवारी कर रही महिला से हमारी टीम बात किया तो उनके माध्यम से क्या जवाब दिया गया? क्या नाम हुआ आपका? सविता परमार। कहाँ रहो, कहाँ के रहने वाले? कल्याण बॉम्बे। दुर्घटना जो हुई है उसमें आपके सभी टीम सुरक्षित है? हाँ, हमारी पूरी टीम सुरक्षित है। थाना के क्या सहयोग? थाना के सब पुलिस 5 मिनट के अंदर आ गए, हम सबको नीचे उतारा सेफ्टी से, हमारा सब जो बस में सामान था उसके साथ हम उतर गए, उन्होंने हमारे को एक जगह दी जहाँ पे हमको सेफ से बिठाया और वहाँ पर दूसरे लोग भी बहुत थे, उन्होंने बहुत कॉपरेट किया, गांव के लोग थे लेकिन उन्होंने भी हमको बोला कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। इसमें बहुत सी लेडीज़ ऐसी है जिनका तबीयत ख़राब है, एक का तो श्वास चल गया था, मतलब 2-4 लेडीज़ ऐसी है जिनको संभालना बहुत मुश्किल है, और हमारे लिए ये पुलिस तो एक भगवान समान आए हैं, इन्होंने हमको बचाया, और मैं इंडिया के पुलिस को सैल्यूट करती हूँ क्योंकि इनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। सभी लोग सुरक्षित हैं? सभी लोग सुरक्षित हैं। सामान सारा सुरक्षित है? हाँ, सामान सारा सुरक्षित है। और उसके बाद क्या, कहाँ का जाने का टूर था आप लोग? हमको अभी यहाँ से सीतामणि और सीतामणि से हम नेपाल जाने वाले।
जी हाँ, महिला डायरेक्ट बोल रही है कि मैं बिहार पुलिस व सकरा थाना के मौजूदगी पर मैं सही सलामत हूँ और बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, लेकिन सकरा के ग्रामीणों अध्यक्ष का माया तो देखिए। स्थानीय गाड़ी मालिक से संपर्क किया गया तो आरएमडी बस इन सभी महिलाओं को मंजिल तक पहुँचाने के लिए खड़ा उतरा और इन सभी महिलाओं के माध्यम से आरएमडी बस भाड़ा किया गया और फिर से ये लोग अपना मंजिल की ओर निकल पड़े। लेकिन उससे पहले, बस जाने से पहले, सकरा थाना के एसआई रविकांत कुमार का बहुत ही बड़ा एवं सराहनीय काम नजर आई। जरा सा इस वीडियो को, क्लिप को आप सुनिए। आप लोगों का टोटल सामान है, सब कुछ है, टोटल आदमी है, हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वजह से, आपकी वजह से पुलिस सहयोग किया आप लोग को, इसी वजह से आप सब हमारे लिए तो भगवान है। चलिए सब पूरा कीता है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपका आशीर्वाद भेजा जी, हम नंबर दिए हैं, कॉल करना है, दिक्कत होगा तो आपको कॉल करना है, नंबर दे दिए, ठीक है। जी हाँ, सकरा थाना के एसआई रविकांत कुमार ने सभी महिलाओं से समझा रहे हैं कि हम लोग के तरफ से अगर किसी भी प्रकार के दिक्कत हुआ तो बताइए। लेकिन महिला का रिप्लाई आता है कि आप लोग हमारे लिए भगवान थे जो हम लोग सुरक्षित है। फिर रविकांत सर ने पूछते हैं कि आपका सामान सुरक्षित है कि नहीं, तो महिला सब ने जवाब देती है, नहीं मेरा सामान भी सुरक्षित है। उसके बाद एसआई रविकांत कुमार ने सभी महिला को यात्रा मंगलमय की कहानी कहते हुए सबको सकरा थाना से विदा किए। आइए फिर से हम आते हैं, जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसकी घर की हालत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जब मैं उस सुजावलपुर गांव में गया, जिस गांव में चार व्यक्ति की पार्थिव शरीर कल पोस्टमार्टम से सुजावलपुर गांव में आएगी, उस स्थिति में वहां के ग्रामीणों का क्या विचार था। लगभग मुझे वहां पे जितने भी ग्रामीण मिले वो सब रोते बिलखते मिले कि जो टेम्पो ड्राइवर था वो 6 महीना पहले बहुत ही मुश्किल से एक एक रुपया इकट्ठा कर दोस्त महिम से कर्जा लेकर वह एक टेम्पो निकाला, वह किस्त पर निकाला, उसका किस्त भी 1 तारीख को कटेगा। लेकिन आप बताइए ना सर, वो आज ही मर गए, लेकिन अब उनका किस्त तो सधाना दूर की बात है। उनका गाड़ी इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है कि उनके परिवार क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, इसका कोई था पता नहीं मिल रहा है। सुजावलपुर चौक के समीप घटना लगभग 3:30 के बीच होती है। 5 मिनट के अंदर जब थाना को सूचना मिलता है तो थाना टीम ने दौड़ते हुए घटना स्थल पर पहुंचते हैं, जिसमें थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल एवं एसआई आशीष ठाकुर एवं एसआई राहुल कुमार, एसआई रविकांत कुमार, इंस्पेक्टर रणधीर कुमार, सकरा थाना के ऑल टीम एवं ऑल ड्राइवर, उसके साथ साथ सारा गाड़ी पहुंचता है और सबसे पहले चार बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH अपने सरकार गाड़ी से भेजते हैं। लेकिन जो भी लोग का मृत्यु हुआ है उन सभी के लिए आप कमेंट करके बताइए कि उनको मुआवजा जल्द से जल्द मिले, इसके कारण क्या करना चाहिए। लास्ट में एक ही शब्द बोलते हैं और बोलते रहेंगे कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।